सीएम जयराम ठाकुर आज ऊना के कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर 6 किलोमीटर लंबी सड़क और पेयजल योजना का करेंगे शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज शिमला में होगी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे बैठक की अध्यक्षता, विधायक प्राथमिकताओं को लेकर होने वाली बैठक को लेकर होगा मंथन। हमीरपुर को सीएम जयराम ठाकुर की सौगात, 8 करोड़ की लागत से बने पुल का किया उद्घाटन, सांसद अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। कांग्रेस के सांसद जवाबदेह हिसाबदेह पर हिमाचल के शिक्षा मंत्री ने किया पलटवार, कहा हिमाचल में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं, कांग्रेस को नहीं निभानी आती विपक्ष की भूमिका। पांवटा साहिब में पंचायत में गबन का आरोप, गरीबों को नहीं मिल रहे उनके पैसे, शौचालय बनाने के बाद भी हाथ खाली। पांवटा साहिब में पुलिस वाले ने पुलिस वाले का काटा चलान, 9 पार्किंग में लेकर एसएचओ का चलान, उत्तराखंड का था सब इंस्पेक्टर। प्रदेश के 9 उद्योगों की दवाओं के सैंपल हुए फेल, खांसी जुकाम और बुखार की दवाओं के सैंपल हुए फेल, हिमाचल की फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी। पालमपुर के नौजवानों के लिए रोजगार का अवसर, 12 से 21 फरवरी तक होगी सेना की भर्ती, कांगड़ा और चंबा जिले के नौजवान लेंगे हिस्सा। जिला कांगड़ा के हरिपुर में मिला 1500 साल पुराना कुआं, कुएं की सफाई के दौरान मिले 5 से 7 कमरे, कुएं से कई ऐतिहासिक चीजें मिलने की जताई जा रही संभावना। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 11 से 13 फरवरी तक प्रदेश में हो सकती है बर्फबारी, मैदानी इलाकों में भारी बारिश की संभावना।